ए जिंदगी अब तुझको सलाम, ए जिंदगी अब तुझको सलाम। मोहन चुपचाप छिपे रहो, आज तो तुम सबको मरवा ही डालते। आज पहरा बहुत ज्यादा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है साथी, हमारी कल रात के धमाकों का नतीजा है। अब इधर के गांव में हमारा कोई समर्थन नहीं रहा है कमांडर। चिंता मत करो मंकू, हमारा डर तो बना हुआ है ना, कोई गांव वाला हमें मदद देने से इनकार नहीं कर सकता। चलो उठो चाचा, उठो चाचा, उठो चाचा, जाग गया चाचा, जाग गया। अरे मंकू जग गया? जब मैं जगाती थी बचपन में तो फट करवट बदल के कुनमुना के सो जाता था, हा? और जब से भोला आया है तब से सुबह सुबह जग जाता है। अरे माँ, इतने प्यार से उठा रहा था ना, अगर और 2 मिनट नहीं उठता ना तो थप्पड़ मार देना था इसने, बहुत जोर से मारता है। क्यों बोला, ताकत दिखाओ। देखो चाचा, देखो नारी। अरे बाप रे, हम तो डर गए। बहुत डर लग रहा है, अगर पकड़ लिए गए तो। साथी, हम अपनी जिंदगी, अपने समाज, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हम पकड़ लिए जाएं या मार दिए जाएं, हमारी हार नहीं हो सकती। लेकिन कमांडर, हम बार बार हारे जा रहे हैं, और जिस समाज को हम बदलने की बात कर रहे हैं वो समाज हमें अपना दुश्मन मानता है, और हमें देखकर खुश होने की बजाय वो हमसे डरते हैं। आगे बढ़कर गले लगाने की बजाय वो छिप जाते हैं। हमारा ये आंदोलन दुनिया को बदलने और शोषण को खत्म करने के लिए है। इसमें कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं, तकलीफें उठानी ही पड़ती हैं। साथी, हमारे सपने गलत नहीं है कमांडर, पर तरीका कितना सही रह गया है ये देखने वाली बात है। तुम नहीं जानती साथी, हमारा संघर्ष आपके हालात की पैदाइश भी है और जरूरत भी। तो संघर्ष करना है तो तकलीफें उठानी ही पड़ेंगी। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहनी न हो, रात हो ना डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, सूर्य पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो, वो न इंसान यूं बेबसी में खड़ा, हर समय आत्मा सबकी रूबी न हो, तब न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। हम इंकलाब लाकर ही रहेंगे साथी, क्रांति का रास्ता बंदूक की नली से होकर ही गुजरता है, गोलियों से डरने की जरूरत नहीं है। गोलियों को हम अपने सीने पर तमगे की तरह सजाएंगे। ये तो राजू की चीख थी। इंकलाब सिपाही, हमारा सिपाही शहीद हो गया, ये गर्व की बात। चुप, एकदम चुप हो जाओ। 15 साल का है राजू, राजू सिपाही नहीं एक बच्चा है जिसे हमारा दल पकड़ लाया था। याद है कमांडर, 15 साल की ही रही होंगी मैं जब मेरा पहला गर्भपात करवाया था, कोख में ही मार डाला मेरे बच्चे को ताकि हमारी लड़ाई कमजोर ना पड़े।
तो वो अजन्मा बच्चा भी शहीद ही हुआ ना। आज अगर वो जिंदा होता तो राजू के उम्र का होता, और 4-5 7-6 होते तो वो उससे भी छोटे। तो बताओ कमांडर, हमारे दल में कितने शहीद हुए, बताओ ना, बताओ। कमांडर, आपका संघर्ष शायद ठीक रहा होगा। आपने शोषण के खात्मे के लिए और लोगों के हक की आवाज उठाई। आज उसका असर होना शुरू हो गया है। विकास की धारा आज पिछड़े इलाके तक पहुंच चुकी है और आज हम उसे ही रोक रहे हैं। अब असल में आपको और हमें रुक जाना चाहिए। लाल सलाम की बजाय जिंदगी को और अपनी खुशियों को सलाम करना चाहिए। पिछड़े हुए जो अपनों से, उम्मीदों से और सपनों से, घर जा वापस आ जा तू। खुशियाँ खड़ी है खोले दरवाजे, तू सुबह का भूला तुझे सांझ पुकारे, तेरे गांव की गलियां तेरे घर चौबारे। पिछड़े हुए जो अपनों से, उम्मीदों से और सपनों से, वापस आ जा तू। खुशियां खड़ी है खोले दरवाजे। नफरत के नारे है एक धोखा, लौटाओ तुम अब भी है मौका, दर्द नहीं अब तो तुम प्यार ने, अब तुझको सलाम। पिछड़े हुए जो अपनों से, उम्मीदों से और सपनों से, घर जा वापस आ जा तू। खुशियां खड़ी है खोले दरवाजे, ए जिंदगी अब तुझको सलाम, ए जिंदगी अब तुझको सलाम, ए जिंदगी अब तुझको सलाम, ऐ जिंदगी अब तुझको सलाम।